योजक चिन्ह पढ़ने वाले, योजक हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हिंदी ग्रामर का चैप्टर है, जहाँ पे दो मित्र की कथा का वर्णन किया है। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र होते हैं। श्री कृष्ण अपने गुणों के कारण राजा बने, मतलब उनका गुण इतना अच्छा था, महाराजा जैसा गुण था, वो द्वारकाधीश बने, ठीक है, महाराजा बने। वहीं सुदामा की स्थिति क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा गरीबी में उनका समय बीतता गया है ना। सुदामा की पत्नी श्री कृष्ण के पास जाने की विनती करती थी। सुदामा की पत्नी बोलती थी श्री कृष्ण के पास जाइए, थोड़ा उनको सहयोग वो देंगे, जरूर देंगे, है ना। इतना ज्यादा भुखमरी हो गया, इतनी गरीबी है, तो उनके बच्चों का लालन पालन या उनका भोजन भी नहीं हो पाता था। तो उनकी पत्नी ने, सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के पास उन्हें भेजा ताकि थोड़ा बहुत मदद मिल सके। उनके पास जैसे जाते हैं, क्योंकि पत्नी ने उन्हें सौगंध दिया था, ठीक है, अपने पत्नी ने सौगंध दिया था कि आप जाओगे, पक्का जाओगे। पहले वो जाते नहीं थे संकोच के कारण, गरीब, मैं तो गरीब हूँ, उनके पास जाऊंगा तो क्या लेके जाऊंगा, मेरे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो चावल की पोटली उनकी पत्नी जो है देती है, वो उसमें भी चावल की पोटली कैसा रहता है, चावल में भुने हुए चावल के दाने होते हैं, ठीक है, भुने हुए कुछ चावल के दाने होते हैं, जिसे तुम क्या बोलते हो, ममरा जैसे खाते हो ना, ममरा जैसे खाते हो, तो वो ममरा का ही एक रूप होता है, भुना हुआ चावल। वो पोटली में बांध के सुदामा जी कृष्ण से मिलने जाते हैं। जैसे वो द्वार पे जाते हैं ना, तो देख के अचानक से उनको ऐसा लगता है, बाप रे, मैं कहाँ पे आ गया, इतना बड़ा राजा, और मैं यहीं से लौट जाता हूँ। संकोच बहुत हो रहा था उनको, है ना, जाने में, घर जाने में बहुत संकोच हो रहा था। तो सोच रहे थे क्यों ना मैं यहाँ से लौट जाता हूँ, मुझे अंदर जाने में पता नहीं वो श्री कृष्ण मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, इतना पुराना दोस्त, इतना पुराना यार, मेरे चेहरे ऐसे हो चुके हैं गरीबी के कारण, वो कहा महाराज, और मैं उनके पास जाऊं तो किस मुंह से। तो उनका विशाल जो द्वार होता है, उसी को देख के वो हैरत में रहते हैं। तो द्वारपाल से पूछते हैं, एक तुमने सुनो द्वारपालो, देखा है ना, सुना है ना गाना, सुनो द्वारपालो कृष्ण से कह दो, है ना, ऐसे करके उन्होंने देखा, द्वारपाल आ गया, वहां पे आ गए। द्वारपाल आके बोलते हैं जो कि तुम्हें किससे मिलना है। तो सुदामा बोलते श्री कृष्ण से मिलना है मुझे, मैं उनका मित्र हूँ, बस आपको बोलना है कि सुदामा आया है आपके दरवाजे पे, सुदामा आया है। तो द्वारपाल जाता है श्री कृष्ण के पास सुदामा का मैसेज लेके कि ये आपका जो दोस्त है सुदामा आपसे मिलने के लिए आया है। यही सुनते ही कृष्ण दौड़े दौड़े उनके पास आ जाते कि मेरा मित्र है, इतना आया है। उनको आते ही उनको गले लगा लेते हैं, श्री कृष्ण उनको गले लगाते हैं कि मेरा मित्र सुदामा आया है, और उनको गले लगाते हैं, उनको बैठाते हैं अपने सिंहासन पे, जो राजा का सिंहासन होता है ना, उस सिंहासन पे वो सुदामा को बैठाते हैं। उनके पैरों से कांटे निकालते हैं, क्योंकि उनका पैर कुछ भी ऐसे खाली पैर वो आ गए थे, नंगे पैर, उनका कपड़ा भी ऐसा था जो फट फट फटा हुआ था। ऐसी स्थिति में थे कि उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा कंडीशन नहीं था, फटे हुए कपड़े थे, पैर में पहनने के लिए चप्पल जूते कुछ भी नहीं थे, खाली पैर आए थे, तो कांटे पूरे उसके पैरों में भर गए थे। तो श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा के पैर पूरे जख्म भरे हुए हैं, पूरा छलनी हो गया पैर, तो उनके आंखों से आंसू आने शुरू हो गए, और उन्हीं आंसुओं से उन्होंने उनके पैर भी धोए, पैर पखारे, और एक-एक करके कांटों को निकाला, और बहुत ही ज्यादा करुणा तक उमड़ पड़ रही थी। कृष्ण को ऐसा लग रहा था इतनी बुरी स्थिति मेरे मित्र की हो गई, फिर आया, अभी तक मिलने नहीं आया था, इतने साल हो गए वो मुझसे मिला ही नहीं, और इतनी बुरी स्थिति हो गई, इतना गरीब होने के बाद अभी आता है। तो फिर श्री कृष्ण पूछते, तुम इतने सालों के बाद आ तो गए, लेकिन आए हो तो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो लाए होगे, कोई ना कोई गिफ्ट तो पक्का लेके आए होगे, क्योंकि इतने साल के बाद कोई भी मित्र से मिलता है तो बिना कुछ लाए,
नहीं आता तो कुछ ना कुछ गिफ्ट जो लाए हो दे दो। तो सुदामा छुपा रहे थे अपना जो चावल का जो पोटली था ना, जो ममरे की वो पोटली ले गया था, छोटा सा पोटली चावल का, वो छिपा रहे थे। उन्हें देने में बहुत संकोच हो रहा था कि इतना बड़ा महाराजा, और मैं अगर ये चावल की पोटली दे दूं तो कितना ज्यादा मुझे बुरा लगेगा कि मैं क्या लेके आया हूँ, बस एक मुट्ठी चावल और कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए श्री कृष्ण जैसे, जो कि महान देवता है, महान महाराजा है, और उनको मैं एक मुट्ठी चावल गिफ्ट में दूँ तो मुझे ये देना भी स्वीकार नहीं है। तो उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था वो एक मुट्ठी चावल देने के लिए। फिर भी श्री कृष्ण को लगा कि हाँ कुछ ना कुछ सुदामा अपनी पोटली में लाए हैं, तो फिर वो फिर से आग्रह करते हैं सिर्फ मुझे दे दो मेरा जो लेके आए हो मेरे लिए। तो वो मुट्ठी वाला चावल जो लेके आते हैं पोटली वाला उनको देते हैं श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण वो बड़े प्यार से खाते हैं उस चावल के दाने को, जो कि भुना हुआ चावल रहता है उसको बड़े प्यार से खाते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है एक-एक दाना खाने में उनको बहुत ही तृप्ति की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है मन तृप्त हो गया, आंखों से आंसू आ रहे थे श्री कृष्ण के, सुदामा के, दोनों रोए जा रहे थे। और मित्रता इतनी अच्छी थी उनकी कि ऐसा लग रहा था कौन सा भाई, कौन सा अपना रिलेटिव आके मिला। इतने वर्षों के बाद दोनों बिछड़े यार थे और आपस में एक दूसरे को उन्होंने समझा जाना। तो श्री कृष्ण के आंखों से आंसू भी आ रहे थे, सुदामा के आंखों, फिर भी उन्होंने खाया। और जितने अनाज के दाने उन्होंने खाए उतने उससे कई गुना अनाज उनके घरों में भरते ही जा रहे थे। मतलब ऐसा जादू किया श्री कृष्ण ने कि उनका जो घर था, जो गरीब थे, इतने गरीबी स्थिति में वो रहते थे, तो वो घर भी पूरा क्या हो गया, एक महल के रूप में परिवर्तित हो गया। मतलब छोटा सा कुटीर जो उनका कुटिया था महल में परिवर्तित हो गया। अनाज के भंडारे लग गए, जैसे जैसे श्री कृष्ण ने दाने खाए वैसे वैसे अनाज उनके घर में भरते चले जा रहे थे। और वो देख के उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनके बच्चे बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित थे। ये हो क्या रहा है जादू, अपने आप हमारा जो स्थिति था उस स्थिति में से ये पूरा ही बदल चुका था। सबके वस्त्र नए हो गए थे, सब जगह अनाज हो गया था, क्योंकि श्री कृष्ण ने बस छोटा सा गिफ्ट जैसे स्वीकारा, जैसे लिया, वैसे ही जादू हर जगह दिखाई देने लगे। और सुदामा के जो जख्म थे अपने आप भर गए थे, जो पैरों में जख्म हो गए थे, कांटों के छाले अपने आप भर गए, उनकी स्थिति भी ठीक हो गई। उनका भी वस्त्र अपने आप से परिवर्तित हो गया था, बदल चुका था, वो भी राजसी वस्त्र में आ गए थे, मतलब सुंदर सिल्क वस्त्र में वो भी सुदामा आ चुके थे। और उन्होंने बहुत ही आभारी किया, मित्र को आभार किया कि मित्र तुमसे मिलके मेरा जो जीवन था वो एक तरह से स्वर्ग को प्राप्ति जैसा हो गया, मतलब एक तरह से मैं धन्य हो गया, तुमसे मिला मैं धन्य हो गया, मुझे पहले आपसे मिलना था, मैं तो संकोच के कारण मैं इतने दिनों तक नहीं आया, और मेरी पत्नी ने सौगंध दे रखा था इसलिए मैं नहीं आया। तो बच्चों यहाँ पे देखो तुमने कितने सारे वर्ड देखे, जितने भी वर्ड देखे श्री कृष्ण के, इससे भी इसमें बहुत सारे अंडरलाइनिंग वर्ड है, और है ना, ताकि, परंतु, क्योंकि, ये सारे जितने भी वर्ड है ये योजक कहलाते हैं। जो इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना कंजंक्शन, ये कंजंक्शन योजक कहलाते हैं, जो कि वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, वाक्यांशों को जोड़ते हैं, आपस में वाक्यांशों को जोड़ते हैं, मतलब छोटे छोटे वाक्य को जोड़ने का काम कौन करता है, योजक। जैसे एंड, बट, ये सारे इंग्लिश में काम आते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एंड, बट, बिकॉज ये जोड़ते हो, सो, है ना, ये सारे जोड़ जोड़ के आप इंग्लिश के सेंटेंस बनाते हो, वैसे ही और, परंतु, ताकि, क्योंकि, ये सारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जो कि वाक्यों को जोड़ने में हेल्प होता है, छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ है एग्जाम्पल में ऊपर लिखी हुई जितने भी अंडरलाइन वर्ड हैं, ऊपर में अंडरलाइन है, और, है ना, परंतु, ताकि, क्योंकि,
ये सारे आपस में एक वाक्य को दो, एक वाक्य से दो वाक्य में जोड़ने का, वाक्यों को भी शब्दों को भी जोड़ने में मदद आए। जैसे श्री कृष्ण और सुदामा है ना, और कहाँ प्रयुक्त हुआ, दो दोस्त के नाम को जोड़ने में, श्री कृष्ण को सुदामा को जोड़ने में। हम ऐसे अगर लिखते या फिर ऐसे बोलते श्री कृष्ण सुदामा मित्र थे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, वो जो वाक्य होता वो गलत होता। इसलिए सही वाक्य बनाने के लिए हमें और का हमने प्रयोग किया, ठीक है। श्री कृष्ण और सुदामा दो दोस्त हैं, दो मित्र हैं, समझ में आ गया। और श्री कृष्ण अपने गुणों के कारण राजा बने, परंतु सुदामा गरीबी में जी उनका जीवन बीतता रहा। श्री कृष्ण का जो जो अपना गुण था उसके कारण वो राजा बने। परंतु एक शब्द आया, ये भी योजक चिन्ह है, कंजंक्शन, ठीक है। उसके बाद है ताकि, क्योंकि, ये सारे कंजंक्शन कहलाते हैं। तो श्री कृष्ण सुदामा आपस में ये सभी शब्द जोड़ने का काम आया, और इसका हम परिभाषा इस हिसाब से हम लिखेंगे, जो अविकारी शब्द दो शब्दों को भी जोड़ता है, दो वाक्य दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है, दो वाक्यांशों को भी जोड़ता है, आपस में जोड़ते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक कहेंगे या फिर योजक कहेंगे। दोनों सिमिलर है, समुच्चय बोधक बोल सकते हो या फिर सिमिलर कह सकते हो, सिमिलर वाक्य योजक कह सकते हो, दोनों सिमिलर है, ठीक है। योजक समुच्चय बोधक, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तुम्हारे सेंटेंस के रूप में, ठीक है। प्राचीन प्रतीक्षा, प्रतीक्षा को पीटा क्योंकि उसे गाली दी थी, ठीक है। प्राची ने प्रतीक्षा को पीटा, प्रतीक्षा को पीटा, प्रतीक्षा को ने एक लड़की का नाम है, प्राची एक लड़की का नाम है, तो प्राची ने किसको पीटा, प्रतीक्षा को पीटा, क्योंकि उसने क्या किया था, गाली दी थी ना। अगर हमने वहां से क्योंकि हटा दिया, मान लो क्योंकि हट गया, तो क्या ये वाक्य सही रहेगा, गलत हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम क्योंकि, परंतु, यदि, तो, किंतु, इसलिए, ताकि, ये सारे शब्द लगा के वाक्यों को बनाते हैं, ये शब्द लगाते हैं और वाक्यों को हम बनाते हैं। दूसरा वाक्य है, सुवर्णा को छींके आ रही थी पर उसे आइसक्रीम खाना नहीं छोड़ा। सुवर्णा को बहुत छींक आ रही थी, सर्दी के कारण ठंडी लग रहा था और सर्दी के कारण उसे छींक पे छींक आ रही थी, लेकिन उसने आइसक्रीम खाना छोड़ा ही नहीं, आइसक्रीम वो कंटिन्यू खाते रहे, ठीक है। पर जो शब्द आया यहाँ पे, योजक चिन्ह आया है, ठीक है। दिव्यांशु सुंदर है परंतु मोटी है, दिव्यांशु एक लड़की का नाम है, वो सुंदर है लेकिन वो थोड़ी मोटी भी है। यदि तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो, यदि तुम चाहते हो तो मेरे साथ चल सकते हो। यदि हम स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगेगा, ठीक है। यदि तो, राजेश ने गोपाल को शादी पे बुलाया था किंतु वो नहीं गया। राजेश गोपाल को बुलाया शादी में लेकिन वो गया ही नहीं, किंतु परंतु हम लगाते हैं। मेरा चश्मा यहाँ रह गया इसलिए फिर आना पड़ा, है ना। मेरा चश्मा घर में छूट छूट गया था, भूल गया था, इसलिए मैं मुझे वापस दोबारा आना पड़ा। उसके बाद है, मैंने मीनू को भेज दिया ताकि तुम पढ़ सको, मैंने मीनू को भेज दिया ताकि तुम पढ़ सको, मीनू को भेज दिया ताकि तुम पढ़ सको, ताकि, इसलिए, ये सारे जितने भी बोल लेटर है ये सारे समुच्चयबोधक या योजक कहलाते हैं।